रहीकुम नाज्रन लाइवे डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं मैं नाइला अली नाजरीन हुकूमत की जानब से पी टी आई चेयरमैन इमरान खान साहब के अल्जाम की, की इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया है जिस पर पी टी आई ने कमीशन के क्याम को मुस्तरद किया दूसरी जानब वजी खजाना मफ्ता इसमायल साहब आज कहते हैं कि हुकूमत को हर माह पैचल की मत में एक सौ दो अरब रुपए का नुकसान हो रहा है इस समय दिन भर जो अहम मौजूद रहे उन पर बात करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद डॉक्टर सर मिफ्ता इसमाइल साहब की जानब से आज कहा गया कि एक सौ दो अरब रुपए का नुकसान हमें पेट्रोल की मत में हो रहा है महंगाई आलमी सतह पर भी महंगाई में इजाफा हुआ है और हमारी आवाम को भी बहुत सारी बुहरानों का सामना करना पड़ रहा है क्या हुकूमत इस वक्त पी टी आई के इर्दगिर्द घूमने के बजाय किसी तरह से रिलीफ दे पाएगी देखें पहली बात तो ये है कि Uh, हम एक तसादुम की तरफ जा रहे हैं बड़े तसादम की तरफ और उसमें ये रिलीफ और ये सारी बातें अब एक तरफ रह गई और अब ये मामला इस तरह से है अल्लाह खैर करे लेकिन अगले चंद रोज जो हैं देखिए झगड़ा तो हो रहा है जी। अब झगड़े में तशद शामिल होने जा रहा है गालिब और तशद आज डॉक्टर शबाज गिल साहब के का जो हादसा एक पेश आया उसके बाद जो है मोटरवे पे उसके बाद उनको जख्म तो कम आए लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये एक कातराना हमला है और उन्होंने कहा कि प्री डॉक्टर शबाज गिल जो है ये बाहर थे मुल्क से जब इनके ऊपर एफ आई आर कट गई थी फिर इनकी गिरफ्तारी से रोक दिया गया था हमें पता है अभी ठीक है ना और वो कल उनकी दोबारा अदालत में उन्होंने पेश होना था तो वो लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे थे दस्ते में ये वाक पेश आया और कल से जो है वो बल्कि आज रात से ही या किसी भी वक्त ऑनवर्ड्स आप समझें कि मुल्क एक बड़े इंतशार की तरफ जाता नजर आ रहा है और मैं ये बात इस दुआ के साथ कर रहा हूँ कि ये ऐसा ना हो लेकिन जा रही चीज़ें उस तरफ Uh, कल जो है वो इमरान खान साहब का मियावाली में जलसा है जी सर और उसके साथ ही जो मुस्लिम लीग नवाज का जो जलसा है जिसमें मरीम नवाज साहबा वो अटक में होंगी तो आ, अटक में होंगी और सात तारीख को फिर आ, पीपल्स आ, मुस्लिम लीग नून का जलसा छः को अटक में सात को बिशाम में शांला ग्यारह को स्वाबी पंद्रह को गुजरात अच्छा ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है ये ये जो पंद्रह को गुजरात का जलसा है ना मुस्लिम लीग नून का ये पंद्रह तारीख को गुजरात में इनके जो ये जो जलसा कर रही हैं मरीम नवाज साहबा ये मुस्लिम खिताब करेंगी तो उसके जो मेजबान हैं वो चौधरी सालिक हैं जी यानी शिजाज साहब के साथ ज्यादा चौधरी शिजाज साहब के साथ गुजरात ठीक है तो गुजरात में वो वहाँ पर क्योंकि चौधरी सालिक हुसैन साहब जो हैं वो हुकूमत में हैं हुकूमत का हिस्सा हैं जबकि परवेज अलाई साहब और मुनस अलाई साहब जो है वो इमरान खान साहब के साथ हैं तो ये गुजरात का जलसा इसलिए एक इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ पर मरीम नवाज साहबा मुस्लिम नून का जलसा और चौधरी सालिकसैन साहब और पंद्रह तारीख को जो इमरान खान साहब हैं उनका जलसा फैसलाबाद में हो रहा है वो फैसलाबाद जहाँ पर राना सना है और उसमें शेख रशीद साहब जाएंगे और उसके बाद फिर तेईस तारीख को काड़ा बीस तारीख को सरगोदा अट्ठाईस तारीख को भावलपुर ये मुस्लिम लीग नून का आया है और साथ ही जो जलसे हैं कल से शुरू हो जाएगा आदमी कल मियाँ वाली का जलसा और फिर रोज जलसा है इमरान खान साहब के जलसों का कल भी हम बात कर चुके हैं मियाँ वाली फिर उसके बाद जेहलम अटक सियालकोट फैसलाबाद चकवाल एक पूरा उनका जो है वो रोज़ तकरीबन रोज़ एक जलसा है और जलसा हो रहे हैं पब्लिक सड़कों पे लोग निकल रहे हैं तशद का खतरा है गिरफ्तारियों का इरादा है इस बात पे ये हकूमत जो है ना इस तरह देखें हकूमत नहीं है यानी एस सच अपनी शक्ल में इतिहादियों के साथ ये है अब मुस्लिम लीग नवाज ब मुकाबला तहरीक इंसाफ मतलब इसको इस तरह से लें हुँ. मतलब आपको कोई इतिहादी आपको इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं नजर आ रही आपको इसमें मौलाना फजल रहमान साहब इसमें नजर नहीं आ रहे इस पूरे सिलसिले में इसमें आपको ए एन पी नजर नहीं आ रही इसमें आपको कोई भी और बा पार्टी की नजर ये जो पूरा मामला जो सड़कों पर हो रहा है या जो आ, हो रहा है इसमें मुस्लिम लीग नवाज ब मुकाबला तहरीक इंसाफ ठीक है पार्लियामेंट को भी छोड़ दें पार्लियामेंट में कितने मनरफ अराकान है क्या है ना उसको इजलास के कॉल हो रहा है ना कोई समरी गई है वो आप रख दें अब सड़कें हैं और दो आमने सामने मुस्लिम लीग नवाज और तहरीक इंसाफ ठीक है क्योंकि हकूमत इसलिए मैं नहीं कह रहा क्योंकि जाहिर है कि हकूमत का मतलब होता है वजीर आजम और तमाम काबीना एक फैसला करे और वो हकूमत अपनी एक मुकम्मल शक्ल में सामने हमारे नहीं है ठीक है आ, मतलब आप जरा सोचिए ना कि आ, अगर सेक्रेटरी ब्लिंकन से बात करनी हो पाकिस्तान से तो उनसे बिलावल बात करेंगे या उनसे आ, नवाज शरीफ बात करेंगे और शहबाज शरीफ ठीक है तो आ, मतलब कदावर शख्सियात मौजूद हैं तो अब वो उसमें मतलब और जाहिर है बड़ी पार्टी हैं तो ये मतलब है कि वो हुकूमत अपनी एक शेप नहीं ले पाई ठीक है ये इंतजामिया के ऊपर सारा बोझ आ गया इंतजामिया से बरा देखिए सेकटरीज एफ आई ए आपके अस्करी अदारे अदालतें पुलिस ठीक है ये उनके ऊपर सारा आ गया क्योंकि अब ये सड़कों के ऊपर मामला चला गया है और कल से बिल्कुल चला जाएगा क्योंकि अभी तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ये एक दो दिन जो ईद के थे वो भी इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ये सारे ईद में गुजरे तो सब वो बेताब हैं कि सड़कों पे आए और ये बड़ी आ, बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है जो फराह खान साहिबा हैं उनके हवाले से आज जो है ये बात की गई कि उनको गिरफ्तार करके लाया जाएगा बाहर से फरहान खान साहबा का नाम बहुत से जो स्कैंडल्स हैं माली स्कैंडल्स और पंजाब के अंदर जो कुछ होता रहा वो बुशर बीबी की सहेली हैं इमरान खान साहब का कहना है कि इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है लेकिन जो इवेंट्स हैं ना बड़े इवेंट्स बड़े इवेंट्स तो कई दफा होता है कि आप एक बैठ के छोटे छोटे प्लानिंग कर रहे होते हैं तो बड़े वाकयात उसके ऊपर आ जाते हैं हावी आ, आ जाते हैं तो ये बड़े वाकियात ये हैं कि मामला सड़कों पे और बाहर आ रहा है वो अब उनको कैसे लाया जाएगा लाया जाएगा अगर तो मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा वो टाइमिंग्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो गई तो इसी दौरान जो है वो गवर्नर पंजाब जो है वो कह रहे हैं उन्होंने आज कहा कि मुझे ये गैर कानूनी हुकूमत है वो खत्म शहबाज साहब शहबादली उन्होंने चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट है उनके खिलाफ रेफरेंस भेजने का भी कहा है गवर्नर पंजाब ने कि मैं ये आखिरी चंद दिन है ना जिसके अंदर वो खुद ब खुद हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि वो गवर्नर खत्म हो जाएंगे तो मधूम अहमद महमूद पीपल्स पार्टी के वहाँ पे संभाल लेंगे लेकिन ये फसाद एक ऐसा है कि पीपल्स पार्टी इसमें अपने आप को जरा साइड पर रखे हुए हैं ठीक है पीपल्स पार्टी साइड पे रखे हुए क्योंकि इसमें जो भी आएगा उसके हाथ जलेंगे बहुत बुरी तरह और ये खाना जंगी के अल्फाज जो इस्तेमाल हो रहे हैं और इंतार के अल्फाज जो इस्तेमाल हो रहे हैं इसके पीछे कोई आ, कोई मन है ये ऐसे ही नहीं इस्तेमाल हो रहे इन्फॉर्मेशन्स हैं दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे कहते ना जिसमें गंध पड़ने वाला है अगले चंद दिनों में और आ, मैं इसको इस तरह से कहूँगा मैं ये जुमला फिर दोहराने पे एक तवील अरसे के बाद आज ये जुमला दोहरा रहा हूँ कि वो बदमाशियाँ जो है कुछ पकड़े जाएंगे कुछ मारे जाएंगे कुछ भाग जाएंगे ये नहीं बचेंगे जो भी हैं बदमाशियाँ तो वो जहाँ पर भी हैं मतलब ये क्रॉस द बोर्ड इसमें कौन अवाम भी रगड़े में आएंगे क्या होता है क्या नहीं होता किसी को नहीं ऐसा हो तोी मामला जो है वो यानी बिल्कुल आमना सामना टकराव खड़ा हो गया सही, ठीक। आ, और इसको रोका नहीं जा सकता यानी इसको कोई रोकने की कोशिश करेगा तो वो ये होगा कि ये तो ठुस हो गया ये तो मतलब ये एक खास जगह पे जाके सूरत मुल्क में पैदा हो गई है और अदारे अदालतें उनके ऊपर मतलब वो क्या फैसला करते हैं क्या मैंने कहा बड़े इवेंट्स इसमें जो है गिरफ्तारियों की कोशिश होती है अगर तो फिर तसादम होगा लोग निक, और निकलेंगे क्या ही मुमकिन है कि गिरफ्तार कर लिया जाए क्या ये भी एक सोच है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए वो कैसे गिरफ्तार होंगे तहरीक इंसाफ के मैं इसको इस तरह से बात मैं बिल्कुल जो बात कह रहा हूँ ना वो आ, ये एक कंसिडर ओपिनियन दे रहा हूँ कि इस वक्त ये मुस्लिम नून बमकाबला तहरीक इंसाफ है और यहाँ पर अब अब वो बिल्कुल आप समझें कि आ, वो ख, रूल्स वगैरह सारे खत्म होने जा हो रहे हैं बाहिर ये तसादम की तरफ मामला जा रहा है मरीम नवाज साहब जो बात करेंगी तो वो भी कल के जलसे का जो जो टोन होगी वो तय करेगी कि आगे क्या होने जा रहा है ठीक है और वो सख्त होगी ठीक है इमरान खान साहब की भी सख्त होगी और उधर जो है वो मरीम नवाज साहबा की टोन भी सेट करेगी कि मामला किस तरह जा रहे हैं गिरफ्तारियाँ होंगी मामलात और खराब होंगे और इसमें मैं आपको सिर्फ एक बात ही बताऊँ एक तो बात मैंने कल की थी कि हमारा ये ख्याल है हमारे यहाँ ये गुमान है लोगों को कि अफगानिस्तान जो है वो अचानक हमारी मेमरीज से गायब है हम भूल गए कि अफगानिस्तान हमारे पड़ोस में आ, एक अदम इसकाम का शिकार हो गया दोबारा और वहाँ पे दाइश जो है वो मुख्तलिफ बम धमाके और, और टी टी पी के साथ और मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए और वो हम उनको स्टेबल करते हम यहाँ पर खुद पोलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली और इकोनॉमिकली हम डिस्टेबलाइज होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में और इसमें दो तीन बातें मिसाल के तौर पर जैसे अब ये इशू बिल्कुल एक है कि नवाशी साहब की आज वजीर कानून जो है इनत ही काबिल तराम आज, आजम नरी तारड़ साहब उन्होंने कहा ताहियात नहली का मामला जल्द हल हो जाएगा मतलब ये मैंने कहा ना इवेंट्स बड़े इवेंट्स आ रहे हैं ऊपर ठीक है उसमें अगर ये चीज़ें होती हैं तो वो उसमें फ्यूल डलेगा इधर कुछ होता है तो भी ईंधन डलेगा इधर से कुछ होता है तो भी ईंधन डलेगा तो वो एक होता है ना अलाओ पक रहा है पक रहा है पक रहा है कि इसमें एक बयान दूसरा बयान तीसरा बयान चौथा गिरफ्तारी हो गई कोई खुदाना खास्ता कोई मारधाड़ हो गई कोई ये तो ये है सब बो, सब बो, सब कौन बो, सी, बो, बो, सी पार्टी या कौन कौन, कौन सा हिस्सा है जो तमाम तरह हालात का फायदा उठा सके नहीं इसमें मुल्क का नुकसान मुल्क सब का सबका आवाम का नुकसान होगा और मैं इसलिए बात यह कह रहा हूँ मैं इसमें दो तीन बातें यहाँ पे बता बताने जा रहा हूँ पहली बात तो ये कि मिफ्ता इस्माइल साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने वही बात की उसमें कि ये मैं बात अपना एक ओपिनियन दे चुका हूँ और मैं उस ओपिनियन पर कायम हूं कि सऊदी अरेबिया और यू ए की तरफ से हमें इमदाद फौरी तौर पर नहीं मिल रही ठीक है और आई एम एफ के साथ भी हमारे मामला उलझे हुए हैं अभी तक कोई वाज नहीं है तो देखें ये मैं मौजूदा हुकूमत तीन किस्म के मैं कहता हूँ तीन किस्म के झूठ होते हैं एक होता है झूठ एक होता है बड़ा झूठ और एक उससे जो तीसरे लेवल पे व होते हैं, हैं शुमार तो तीन किस्म के झूठ होते हैं झूठ बड़ा झूठ और शुमार अच्छा तो अब उसमें ये है कि ये ये धंधा है ठीक है ऐसे था ऐसे था इधर था इधर था जो जो असल सूरत असल बात है वो ये है कि उनकी तरफ से सऊदी अरेबिया की तरफ से और उसे हमारी आ, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट की गई है उनसे कि आप अभी और यहाँ पर मैं ये आ, कोट कर देता हूँ जो हमारी चौदवी न्यूज़ है एक्सप्रेस ट्रिब्यून को मैं कोट कर देता हूँ कि पाकिस्तान अर्जी सऊदी अरेबिया नॉट टू विदड्रॉ डिपॉजिट्स गिवन टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ठीक है मफ्ता इसमाइल साहब ने तो ये जो यानी ऑलरेडी जो हमारे पास डिपॉजिट्स थे उनको वापस ना लिया जाए ये बात हुई है सऊदी अरेबिया से ठीक है।, ठीक है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम उस दिन भी बात कर चुके हैं पहले भी दोबारा और फौरी तौर पर वहाँ से कोई चीज़ आ नहीं रही दो तीन बातें अहम हैं जो यहाँ पर बताना बहुत जरूरी हैं पहली बात तो ये है कि तुर्की में ये हालात पाकिस्तान में क्या पैदा होने जा रहे हैं ये मैं सिर्फ आपको बताऊं तुर्की में 70 परसेंट इन्फ्लेशन हो गई है डेली सभा हमारी बा, बारहवीं स्लाइड ठीक है अच्छा सत्तर फीसद इन्फ्लेशन का मतलब क्या है मैं जरा आपको समझाता हूं सत्तर फीसद इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो आ, महंगाई है वो सत्तर uh, फीसद बढ़ गई है दूसरे अल्फाज में इसको यूं समझें कि अगर uh, मेरे पास सौ रुपए थे सौ रुपए सेव किए हुए थे मैंने तो वो तीस रुपए रह गए वो सौ रुपए नहीं है वो तीस रुपए हैं ठीक है सत्तर परसेंट इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जिस जो सौ रुपए का नोट है वह सब में तीस रुपए हैं उनके हिस्से तीस रुपए की रह गई है और सत्तर uh, परसेंट वहां पर अप्रैल के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गई है या डेली सभा को मैं कोट कर रहा हूँ अच्छा उसके साथ ही इंग्लैंड में क्या सूरत हाल बनी है इंग्लैंड के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड ये बरतानिया में और यूरोप में जो हमारे आ, आ, जो भी देख रहे हैं प्रोग्राम इस बात को जरा देखें कि क्या हुआ है गार्डियन को मैं कोट कर रहा हूं बैंक ऑफ इंग्लैंड रेजिज इंटरेस्ट रेट्स एट इट वॉन्स ऑफ रिसेशन एंड परसेंट इन्फ्लेशन ये आज का गार्डियन है अच्छा इसका मतलब ये हुआ और इसी को ब्लूमबर्ग को मैं कोट करता हूं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड सीक्स रिस्क ऑफ यूएक यूके रिसेशन विथ इन्फ्लेशन अबउ टेन परसेंट मतलब क्या है इसका ये 2009 के बाद से लेके इसका, मतलब तो इसका मतलब ये है कि जो बर्तानिया में रहने वाले लोग हैं ठीक है एक तो यह कि दस परसेंट इंफ्लेशन वहां पर बढ़ गई इसका मतलब यह है कि सौ पाउंड है किसी के पास तो वो नब्बे हो गए हुँ. किसी के पास अगर यानी 10 परसेंट इन्फ्लेशन का मतलब है 100 पाउंड का मतलब है कि अब 90 पाउंड है।, है ठीक है वो उसकी कीमत क्योंकि गिर गई इंटरेस्ट बढ़ा अगर बढ़ा दिया उन्होंने यानी सूद अगर वो बढ़ा दिया उन्होंने अपना और सूद बढ़ाने से ये हुआ कि अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ये दोबारा इस स्टोरी को देखें गार्डियन uh, की स्टोरी दोबारा बैंक ऑफ इंग्लैंड रेजेस इंटरेस्ट रेट्स अच्छा और यह ब्लूमबर्ग को लगा लें ब्लूमबर्ग को हम देख लेते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से यह होता है कि एक परसेंट उन्होंने बढ़ा दिया है इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से लोगों पे क्या गुजरेगी इसको समझें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ये होगा कि वहां पर जो अक्सरियत है लोगों की उन्होंने अपने घर मॉर्गेज पर लेते हैं लोग बर्तानिया में या या वो बैंकों से लोन लेते हैं जब आपने उनसे लिया आ, मतलब मिसाल के तौर पे आप सोचें कि आपके महीने की फर्ज करें मैं मिसाल दे रहा हूं महीने की 300 सौ पाउंड की किस्त आपने देनी थी हर महीने तो वो तीन पाउंड की जगह अब आपने साढ़े तीन पाउंड देनी है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया ठीक है थीके? अच्छा अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो इसलिए उसमें लोग अब मॉर्गेज पे घर भी नहीं लेंगे लोग गाड़ियां भी नहीं लेंगे इंटरेस्ट बढ़ गया ना सूद बढ़ गया तो लोग जो हैं वो जब बैंकों से कर्ज लेना कम करेंगे तो प्रोडक्शन और मीशत भी गिरती है स्लो हो जाएगी ठीक। नीचे तो ये सूरत हाल जो है ये बरतानिया और यूरोप में आ गई है पैदा हो गई है पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है फाइनेंशियल टाइम्स की मैं स्टोरी देखें हमारा काम है सिर्फ यहाँ पे बताना और बता के जितना सादा अल्फाज में जरा बता सकते हैं फाइनेंशियल टाइम्स की जो हमारी पंद्रहवीं स्टोरी है पाकिस्तान इकॉनमी इज ऑन द ब्रिंक ठीक है पाकिस्तान की जो मीशत है वो बिल्कुल एक ब्रिंक के पर खड़ी है जाके और हमारे पास जो जखायर हैं अगर सोने को निकाल दें तो इस फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम निकाल देते हैं अपने सोने के जखायर को अलग कर दें तो हमारे पास जो है वो छः बिलियन डॉलर है छह बिलियन श्रीलंका में दो बिलियन रह गए थे जब हमारे पास छह बिलियन है टोटल ठीक है और हमारी आबादी श्रीलंका की आबादी बाकी सारे जो हैं वो तो जरा हम देखें ये ठीक है करंट फंड प्रोग्राम जो है इनिशिएट अच्छा एनी और ये फाइनेंशियल टाइम्स ने आज हेडिंग लगाई है अच्छा अब इसमें सूरत हाल ये है पाकिस्तान में कि बजट जो जैसे तैसे करके यानी Uh, जब ये हुआ था ना सब्सिडी और हमने आई के साथ किया था तो बानवे तिरानवे डॉलर शायद ऑयल की प्राइस थी बानवे तिरानवे डॉलर ऐसी चल रही थी और आज जो है वो मैं कोट कर रहा हूँ ऑयल प्राइस को सत्रहवीं स्लाइड को ये 110 डॉलर से ऊपर चली गई है ये 110 से ऊपर चली गई मेरे ख्याल से 112 जी 110 100 यानी इसका मतलब ये हुआ ठीक है 110 क्योंकि जो जो क्रूड की प्राइस इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस वक्त हम सब्सिडी खत्म कर रहे थे तो हमारा थाकू दो सौ सवा दो सौ तक लीटर जाएगा आज के दिन में क्योंकि पहले हमने सब्सिडीज रखी हैं अभी तक हम नहीं बढ़ाते वो बढ़ता जा रहा है पीछे बढ़ता जा रहा है ना आई के साथ बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है तो आज अगर हम आई की शर्त पूरी करते हैं जो उन जिसके बगैर वो हमारी हमारे पैसे नहीं वहाँ से जारी करेंगे तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तीन सौ रुपए लीटर से ऊपर जाएगी तीन सौ जी जी आई एम एफ की शर्ता मैं आपसे कह रहा हूं ना इस ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है इसको ये देखें चीजें सारी जो दुनिया में हो रही हैं अच्छा उसके बाद एशिया टाइम्स मैं कोट कर रहा हूं यहां पे। श्रीलंका में नब्बे फीसद आ, तेल की कीमत बढ़ी है और जो हंगामे हैं वो फैल गए पूरे मुल्क में और 22 सालों के बाद बाईस साल के बाद अमेरिका ने अमेरिका ने अपने सूद की कीमत बढ़ा दी है यानी वही बात जो मैंने बर्तानिया के बारे में की और यहां पर मैं कोट कर रहा हूं बीबीसी ठीक है बीबीसी को कोट कर रहा हूं जो हमारी नाइनटीन स्लाइड है उन्नीसवीं ठीक है अच्छा आ, बाई इसका मतलब यह हो गया ये कि अमेरिका में भी बिगेस्ट जो है ये बाईस सालों के बाद वहां पे चालीस साल इन्फ्लेशन यूएस इन्फ्लेशन चालीस साल में इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई चालीस सालों में सबसे ज्यादा महंगाई फर्दर हाइक्स आर एक्सपेक्टेड ये अगर आप इसमें देखें इस स्टोरी के अंदर ठीक है और यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि अगर इन्फ्लेशन तुर्की में सत्तर बढ़ गई है तो सौ रुपए जो है वो तीस रुपए रह गए हुँ. पैसे आपके पास पड़े हुए हैं लेकिन आपकी वो जो पैसा है उसकी उसकी हैसियत खत्म होती जा रही है ठीक है आप कह रहे हैं कि जी वो आ, पैसे तो बहुत सारे हैं मेरे पास मेरी तो तनख्वाह उतनी है वो कहते हैं ना तनख्वाह तो उतनी गुजारा नहीं हो रहा वो इसलिए गुजारा नहीं हो रहा कि पैसे की वैल्यू खत्म होती जा रही है पैसा पड़ा हुआ आपके पास दस हजार पंद्रह हजार बीस हजार दो लाख ढाई लाख पचास लाख लेकिन उसकी वैल्यू खत्म होती जा रही है खत्म होती जा रही है ठीक है तो आप कहेंगे ये तो इसकी तो वैल्यू ही नहीं है ये मैं आपको बता रहा हूं अमेरिका इंग्लैंड श्रीलंका पाकिस्तान ठीक है टर्की टर्की अब आप आ जाए चाइना चाइना के अंदर वो चूंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन स्टार्ट हुए हैं तो इसीलिए सीएनएन ये रिपोर्ट कर रहा है कि चाइनाज इकॉनॉमी इज गोइंग बैकवर्ड्स ठीक है तेईसवी ठीक है और ये आज उनकी रिपोर्ट है बैकवर्ड और पूरे उन्होंने आदाद शुमार दिए हैं लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने इसमें वाज किया है कि जो वो रिकवर कर जाएंगे इस बहरान इस बहरान से रिकवर, रिकवर कर जाएंगे मई के आखिर तक ग्लोबल टाइम्स ने ये ठीक है ना बाय द एंड ऑफ मे निकल जाएंगे इकॉनमी लेकिन बैलेंस एक्ट मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसी नीडी टू बूस्ट कॉन्फिडेंस उनको पता है ये जाहिर है चाइना में उनको अंदाजा है कि इकॉनॉमी पीछे जा रही है तो अब वो बड़े प्रोजेक्ट्स बड़े लोन्स बड़े कर्जे इसीलिए आप देखिए ना चाइना नहीं आया श्रीलंका की क्योंकि उसकी वजह यह है कि श्रीलंका के अंदर आ, पचास मिलियन डॉलर रह गए तेजी यानी दो बिलियन पे हंगामे शुरू हुए थे दो बिलियन जी जी पे, पे, दो अरब पे जी रिजर्व्स दो अरब डॉलर्स पे हंगामे शुरू हो गए थे तमाम तर दुनिया में उन्होंने जाके गुजारिश की कि उनकी मदद की जाए लेकिन इस मरहले पे उनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं और वहाँ पर जो है वो बिजनेस स्टैंडर्ड को कोट कर देते हैं क्योंकि ये श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस यूजेबल फॉरेक्स एक्स रिजर्व नाव डाउन एट 50 मिलियन डॉलर रह गए सिर्फ ठीक है सिर। डॉलर्स उनके पास खत्म होते जा रहे हैं तेजी के साथ और कहीं से उनको पैसे अब पाकिस्तान ऑन द्र ये है वो हाल जो आपकी माशी सूरत हाल है तो माशी हाल और साथ सिक्योरिटी में आप जेन में रखें ओस पड़ोस आस पास आपके जंगें छिड़ी हुई हैं और जंगें बढ़ रही हैं ये यूक्रेन रशिया की जंग पूरी दुनिया को एक नया एक पूरी बसात जो है ना इसको एक कौन सा मुल्क कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है इंडिया कहाँ तक जाएगा रशिया के साथ टर्की जो है अगर ये जंग आगे दो तीन महीने चलती है तो टर्की के ऊपर प्रेशर आएगा कि आप नेटो अलाए हैं तो आपने यूक्रेन को जाहिर है कि डोन्स और बाकी सारी चीज़ें दी हैं टर्की बहुत ज़्यादा उलझना नहीं चाहता रशिया से लेकिन लेकिन नेटो अलाई के तौर पर अगर उनको वो एफ पैंतीस चारे वगैरह दे भी देते हैं तो टर्की इस वक्त नहीं उस पर वो और अगले साल इलेक्शन है टर्की में प्रेजिडेंट का प्रेज दगन का तो इशू यह है कि वो तर, वो उससे पहले ये सारी सूरत हाल ये मैंने आपसे कहना कि ये जंग खत्म नहीं हो रही यूक्रेन की और ये किसी और रुख पर जाके ये ये खिंच गई है जितनी जंग खिंच जाती है उतनी ही ज्यादा उसमें प्लेयर्स सारे रहे उसमें सर्बिया ने आज कहा है कि हम ईयू की तरफ से जो बैन लगाया जा रहा है रशिया को हम उसको उसको नहीं मानते तो नेटो कहीं भी बन रहा है कहीं टूट रहा है कहीं बन रहा है कहीं ईयू बन रहा है जर्मनी कभी इधर है कभी उधर है लोग और फिर उसमें जो पोप फ्रांसिस जो हैं मैंने हमेशा ही बात की कि इसमें इसका एक मजहबी एंगल है पोप फ्रांसिस ने कहा कि मैं प्यूटिन से जाके मिलना चाहता हूँ और प्यूटिन से उन्होंने कहा कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ और मुलाकात करने के बाद ये वेटिकन न्यूज़ उनका जो वहाँ से मैं कोट कर रहा हूँ ग्यारहवें ग्यारहवीं न्यूज़ है हमारी एम रेडी टू मीट प्यूटिन मॉस्को लेकिन वहाँ से प्रेसिडेंट प्यूटिन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया उसके जवाब नहीं आया तो उसका नतीजा ही निकला कि उन्होंने आ, जो है वो वॉल्ड उन्होंने प्योटिन से मिलने से पहले वर्ल्ड स्ट्रीट जनरल जो सेकेंड एपो फ्रांसिस ने ये हम बात कर चुके हैं आ, उन्होंने नेटो को भी ब्लेम कर दिया अच्छा अब इशू ये है कि क, आ, वो मतलब उन्होंने कहा कि हम जो हैं मैं जाके बीच में जाऊं क्योंकि वहाँ जो तो मैं ये बात पहले कह चुका हूं कि इसमें कैथोलिक्स और जो आ, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के दो इश्यूज़ हैं अपनी जगह और वो रिलीजन यहां पे मैटर करता है लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि वो बात बनी नहीं ठीक है और वो बनी नहीं और फिर उनका दौरा भी कैंसिल हो गया और वाशिंगटन पोस्ट ने उसके बाद ये खबर दी कुछ देर पहले कि डोंट बी प्यूटेंस ऑल्टर बॉय पोप वॉन्स रशियन ऑर्थोडॉक्स लीडर वहाँ जो ऑर्थोडॉक्स उनके करल करल मौजूद हैं उन्होंने कहा कि जो करल हम पहले बात कर चुके हैं डिटेल में कि वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स चर्च मॉस्को उनकी तरफ से सभी ना सभी ना, सभी ना आ गई तो यहाँ पर जो है वो जो है वो पैट्रिया केरल के साथ उनकी बात हुई जूम पे और हाँ। उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ वो आप ये ना बने ये बात उनकी 16 मार्च को हुई थी ठीक अच्छा तो अब बात ये सारी कि वो इसमें पोप भी अलग हो गए इसको यहाँ पर वो लो खत्म होते जा रहे हैं जो किसी भी तरह से प्यूटिन और अमेरिका जाने या जाने प्यूटिन, जाने। प्यूटिन और वेस्ट के साथ दरमियान में मुजरात करवा सकते थे जैसे प्रेजिडेंट मैं अब शुरू में हम याद है वो सब मिल रहे थे अब वो खत्म हो रहा है मामला अब सेंक्शन और लग रही हैं पूरी दुनिया इस वक्त माशी बुहरानों का शिकार पाकिस्तान के अंदर आ, रियल एंड प्रेजेंट डेंजर शख्सियात को जिसमें अगर सर फहरिस नाम रखा जाए तो वो इमरान खान साहब का रखा मैं रिपीटेडली बात कर रहा हूँ और इमरान खान साहब जो हैं वो आ, उनकी आ, उनके मिजाज में ये बात नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और गार्ड्स और ये उन लोगों में निकल जाते हैं और ये वाक़ पहले भी आ, हुआ था उसके बारे में मुख्तलिफ लोगों के ओपिनियन से वो ट्रेन से गिरे थे वो उन लोगों के दरमियान कारखानों के दरमियान वो ज़्यादा अपने आप को ईजी महसूस करते हैं वो आगे बुलेट प्रूफ भी नहीं लगेगी और ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा और पब्लिक सड़कों पर और ये सारे अब इस पूरे सिनेरियो में एक तो आ, ये है कि इमरान खान साहब और पी टी आई के दीगर रहनुमा और साथ ही कहीं आ, पाकिस्तान में आ, शरंगेजी पर तशद वाक़ क्योंकि डी स्टेबलाइज है ना डी स्टेबलाइज आपको पता ही नहीं पड़ोस के अंदर क्या हालात क्या हैं वहाँ पर जो मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि मतलब वहाँ पर जो दाइश बनी थी तो लिथियम माइनिंग के लिए नहीं बनी थी कोई मकसद था ये ग्रुप्स बने हुए हैं सारे क्यों बने हुए हैं कहाँ चली गई फौज दो लाख की कहीं कही, कहाँ है मतलब वो क्या उधर से पूरी फौज जो थी वो तालिबान जो, में ज्वाइन कर गई या वो उधर चली गई या किस ग्रुप के साथ चली गई तो वो वहाँ बजाय इसके कि हम वहाँ पर स्टेप यहाँ पर पोलिटिकल यहाँ मैन मेड हुआ है मतलब यहाँ पर जो है वो कोई कुदरती आफत नहीं आई यहाँ ये ग्रे रहना हुआ है कि आप इवेंट्स को रोक नहीं वो इवेंट्स आ रहे हैं और आप रोक नहीं पा रहे उनको आपको पता है कि माशी प्रॉब्लम आपको पता है फाइनेंशियल टाइम्स क्या हुँ क्या हुँ आपको पता है कि चाइना के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो रहा है, है। आपको पता है कि तुर्की के अंदर क्या हालात आपको पता है कि इंग्लैंड में क्या हालात हैं आपको पता है अमेरिका के अंदर चालीस साल में क्या हालात हैं आई एम एफ आपसे किस तरह बात करेगा जब अमेरिका के अपने चालीस साल के उनकी मयशत आप सबको पता है जब पता है तो उसके बाद आप इस पर आप एक टकराव और तसादम मतलब हम तमाम इसमें बहशत एक मुल्क के हम तसादुम की तरफ जा रहे हैं एक ऐसे तसादुम की तरफ जिसको जहां किसी ने रोका तो दूसरा एक कहेगा भाग गए वो एक होता है ना कि वो जिद हो जाती है कि वो हट गए अरे वो देखा क्या दौड़ गए ठीक है सर इन तमाम तर मामलात के हल की तरफ वापस आके आपसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन हमारे साथ भी वेलकम बैक नाजरीन जी डॉक्टर साहब आप महंगाई पर और आलमी सतह पर महंगाई पर बात कर रहे थे अब हमारे मुल्क के लीडर्स को आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या करना चाहिए और मुल्क में नहीं मैं स्टे... नहीं, क्या नहीं क्या मैं नहीं।, नहीं मैं कुछ भी नहीं करना चाहिए कुछ भी नहीं हाँ इसलिए उसकी वजह यह है कि वो जहां पर हैं जब एक मोमेंटम में आप होते हैं ना तो उस मोमेंटम के अंदर एक दो किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से गाड़ी जा रही हो तो आप ब्रेक नहीं मारते ठीक है तो इसमें एक मोमेंटम जो है वो में चल पड़े हैं लोग जब उस मोमेंटम में जलसों का ऐलान हो गया उस मोमेंटम में जब सड़कों पे ऐलान हो गया उस मोमेंटम में इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठ गए उसमें जो है वो आ, अदारों के ऊपर कि जी आपने क्या किया ये क्या किया पार्लियामेंट बिल्कुल इस वक्त अगर कोई चीज़ वजूद ही पहले वो तो मैं कहता था इ रेलिवेंट है अब वो मतलब एग्जिस्ट करती है नहीं करती पार्लियामेंट मुझे इलमी नहीं है क्योंकि उसमें ऑपोजिशन ही नहीं है अपोजिशन है ही नहीं इस्तीफे मंजूब में नहीं बड़े छोटे छोटे इशू चल रहे होते हैं तो बड़े वाकियात उनके ऊपर आ जाते हैं तो ये बड़े छोटे छोटे से छोटे छोटे वाकियात हैं लेकिन वो जो बड़े इवेंट्स पूरी दुनिया में और खत्ते में हो रहे हैं जो इकोनॉमीज कोलेप्स हो रही हैं मैंने आपसे कहना कि आपने बानवे तिरानवे के ऊपर डॉलर के ऊपर आपने जो उस वक्त बात की थी कि जी दो सौ होना चाहिए रुपए पेट्रोल अगर आज एक सौ दस सौ क्रॉस कर गया है दुनिया में तो फिर उसके मुताबिक आपका वो पैसे तो बढ़ते जा रहे हैं ना और दुनिया के वो मुल्क जिनकी तरफ आप देखते हैं चाहे वो बरतानिया हो चाहे वो कोई यूरोप का मुल्क हो या वो अमेरिका हो अमेरिका बाईस सालों के बाद सबसे बुरा मीषत या चाइना तो वो इस वक्त कोई इस पोजिशन में नहीं है कि आके आ, आपको यहाँ से आ, मदद देगा आ, और आप उसमें लड़ रहे हैं आप उसमें लड़ाई कर रहे हैं तसादुम की तरफ चले गए और यहाँ पर मैंने आपसे कहा ना कि शहबाज शरीफ साहब इसमें जिस हद तक बतौर शहबाज शरीफ यानी वो रिस्ट्रेन कर रहे हैं लेकिन मसला ये है कि वो, वो जो चल पड़ती है ना वो एक चल पड़ते हैं लश्कर लड़ने के लिए तो फिर उस वक्त तो वो रोकते रह जाते हैं सब कि ये ना करो ये ना वो चल पड़े हैं सारे और उसमें पंजाब के पी सिंध के अंदर लोगों का ख्याल है अभी तक कि वहाँ पे सूरत हाल नॉर्मल रहेगी मेरे तासरत कुछ और हैं सिंध में जो हालात हैं वो एक खामोशी है लेकिन वो लल बिफोर द स्ट्रॉम सिंध के अंदर भी हो सकती है सूरत हाल किसी और अंदाज में और बलोचित और ना कराची यूनिवर्सिटी में वाक्य कराची यूनिवर्सिटी का जो वाक्य है वो आप कुछ मामूली सा वाक्य है कि वहाँ पर चाइनीज के ऊपर अटैक हो रहे हैं।, रहे हैं तो मतलब है कि वो नौयत वाकियात की मुख्तलिफ अख्तियार करने जा रही है अब उसमें ये तो हो गया ही ना मैंने आपको रीजनल पिक्चर बता दी और सबसे बड़ा इशू ये है कि माशी इशू है वो बजट में आप दाखिल हो रहे हैं और पूरी दुनिया में अचानक जो है वो महंगाई और सीधी सी मैंने बात आपको बताई कि जी इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया बरतानिया में या टेन परसेंट इन्फ्लेशन होगी तो उसका मतलब है संभाल के रखे हुए कितने सौ पाउंड सौ पाउंड नब्बे के हो गए तुर्की में सौ रुपए या सौ लीरा संभाल के रखे हुए तो तीस रह गए उसके पास पैसे उतने ही है। हैसियत खत्म हो गई ठीक है ना और कहते हैं जी अब क्या करें ये मॉर्गेज और किस्तों पे चीज़ें लोगों ने मेजॉरिटी ली होती है लोगों ने तो वो पता चला किस्तें बढ़ना शुरू हो गई किस्तें भी बढ़ रही हैं और साथ ही महंगाई भी बढ़ रही है इन मॉर्गेज पर तीन सौ पाउंड देने तो साढ़े तीन सौ उधर देने और बाहर जाए तो सौ पॉइंट जो थे वो नब्बे हो गए या पचासी रह गए तो वो एक पूरा कट पूरी दुनिया में और यहां पाकिस्तान के अंदर इस बात का इजराक नहीं है बिल्कुल यहां पर जो है वो और जाहिर है कि अवाम क्या करेंगे आवाम की जिंदगियां तो पहले ही इतनी इतने बेजार और परेशान हैं क्योंकि अकाबरीन ऊपर टकराव की तरफ जा रहे हैं और वो चूँकि एक स्पीड ले चुके हैं अब तो उसी स्पीड से अब ये जो जैसे मैंने आपसे और इसमें सिर्फ दो बाहर आपको नजर आएंगी पार्टीज जो. क्योंकि हकूमत वजीर आजम और काबीना है वजीर आजम और का अब देखिए ना जैसे ये मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया है हुँ. और ये इमरान खान साहब के जलसे और उसमें मुस्लिम लीग नून के जलसे हकूमत नहीं है हकूमत का मतलब यह है कि ये मतलब ये पार्टीज हैं अब मरीम नवाज साहिबा मुस्लिम लीग नून के जलसों में और एक जलसे में भी जब शहबाज शरीफ आ जाएंगे ये हमजा शहबाज आ जाएंगे तो फिर ये मामला जो है ये हकूमत और अपोजिशन से हटके ये मामला दो पार्टीज के दरमियान हो गया ये पी डी एम के जलसे नहीं हो रहे ये जहन में रखें ये कोई ऐसा जलसा नहीं हो रहा है जिसमें वराना फजल रहमान शरीक होंगे या बिलावल भुटो शरीक होंगे ये पी डी एम नहीं है ये हकूमत है मुस्लिम ये जो मैं पहले दिन भी कहा था कि ये मुस्लिम नून की हकूमत है जिसमें इतिहादी हैं और ऐसे इतिहादी हैं कि आ, मतलब कल जैसे मैंने बात की कि चौधरी साहबान ने कहा कि हमारे इख्तलाफात की खबर जो है ये गलत है गलत तो इख्तलाफात अगर नहीं है तो फिर हुकूमत गिर गई तो मतलब साहब ने उसके बाद गुफ्तु करते हुए कहा कि परवेज इलाही साहब ने जो उन्होंने जद्दारी साहब वो आखिर मनट पर चले गए वो छोड़े वो देखिए जद्दारी साहब के तलुकात रहेंगे इनसे हमेशा ठीक है दोनों परवेज लाही साहब से भी हैं लेकिन वो जद्दारी साहब जाहिर है कि वो इस वक्त देख रहे हैं कि ये दोनों का टकराव अगर होता है तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन बनती है लेकिन मेरा अपना अंदाजा यह है कि सिंध के अंदर ऐसी सूरत हाल डेवलप होगी आने वाले दिनों ये पंजा अगर एक दफा ये मतलब होता है ना सकिन हो जाती हैं पार्टीज ये गवर्नमेंट सकििन मतलब उस खिंच जाते हैं अंदर मैग्नेट की तरह आप खींच लेते हैं जैसे भंवर में फंस भंवर के अंदर गाड़ी इधर भी खड़ी हो भंवर इधर चल रहा हो कश्ती इधर हो पास से गुजरा हो खींच लिया ब्लैक होल ने बहुत शुक्रिया डॉक्टर तो ये इस तरफ मामला जा रहे हैं इस दुआ के साथ कि आने वाले दो तीन हफ्ते मुल्क जो है वो आगे सुकून से रहे इस दुआ के साथ प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं शुक्रिया डॉक्टर साहब नाजरीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी मुझे ना को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिर दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा